राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी डिक्टेशन सिलेक्शन सीरीज 2021 अध्याय संख्या 8 रेडी यस स्टार्ट। राजस्थान बहुत पिछड़ा प्रदेश है। विराम पहाड़ी है, रेगिस्तानी है और यहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। विराम राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है। विराम गाडगिल फॉर्मूले में भी यह कहा गया है। जो मरु क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए रियायत की जानी चाहिए। विराम विषम परिस्थिति होने पर भी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। विराम आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नदियों में जितना पानी है उसका केवल 1% ही राजस्थान को प्राप्त होता है। विराम राजस्थान एक मरु प्रदेश है और वर्षा की हम पर कृपा नहीं है। विराम अब की बार थोड़ी सी बारिश बाड़मेर और जैसलमेर में हुई है, अन्यथा वर्षा की कहीं नहीं होती है और सारे बांध सूख गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नदियों का पानी राजस्थान भी भारत के नक्शे में एक बड़ा प्रदेश है तो उसका भी भला हो सकेगा। विराम यहाँ पर मेरा निवेदन यह है कि बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ यह भी कहा गया है कि सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है उस सरस्वती नदी को ठीक किया जाएगा और उसके बाद गंगा का पानी भी पूर्वी राजस्थान को दिया जाएगा। विराम इस संबंध में जितने हमारे विवाद हैं वे भी सारे तय किए जाएंगे। विराम पैरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान के कई हिस्से पानी से वंचित हैं। विराम गंगा का जल भी हमको नहीं मिला है। विराम मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान नहर एक प्रमुख नहर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की नहर है। वहाँ पर भी कई लोग बसाए जाते हैं। विराम जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको बसाया जा सकता है। खेती करने वालों को भी बसाया जा सकता है और सीमा क्षेत्र होने के कारण सैनिकों को भी बसाया जा सकता है। विराम राजस्थान सरकार को भारत सरकार की ओर से 60,000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए दी जा रही थी, वह मिलनी भी बंद हो गई है। विराम पैरा मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान को भी पानी मिले और इस समस्या का सर्वोच्च आधार पर विचार किया जाना चाहिए। विराम आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विराम स्टॉप। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको दीपक मीना जैन स्नो क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगी। ठीक है।